हेलो 8th क्लास, लेट्स स्टार्ट अवर सोशल साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स। फर्स्ट चैप्टर द नीड फॉर लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान की, क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत है। लेट्स लर्न अबाउट द नीड्स फॉर लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? फर्स्ट इज Indian attended the independence for British rule on 15 अगस्त 1947। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। Attainment of independence brought a new responsibility for the Indians, the responsibility to govern the country by themselves। स्वतंत्रता की प्राप्ति ने अपने स्वयं के द्वारा देश पर शासन करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए एक नई जिम्मेदारी ली, एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक है, इंडियन हैड टू चूज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड शूट देयर नीड्स। दे हैड टू थस द फ्रेम अ क्लियर सेट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू अ विच द कंट्री विल बी गवर्न्ड। इसमें कहे जैसे इंडियन सरकार को, सरकार इंडियन को सरकार का प्रकार चुनना था जो उनकी आवश्यकताओं, जो उनकी नीड्स थी उनको वो पूरी हो। इसी प्रकार उन्होंने कानून का एक स्पष्ट समूह को तैयार करना था जिसे देश को निरंतर किया जाएगा। नेक्स्ट इज द नीड फॉर लॉज। एज वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सम रूल आर essential for a smooth running of traffic, similarly we need law for the smooth running of society। as we study कि हम previous classes में study कर चुके हैं already कि जो some rule are smooth, जो कि कुछ ऐसे rule होते हैं कि जो traffic को smoothly running करने के लिए चलाए जाते हैं। जैसे traffic smoothly running करती है according to the rule, similarly वैसे ही हमें भी need the laws फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को चलाने के लिए हमें वैसे ही स्मूथली लॉज की ज़रूरत है। एज द रूल ऑफ गेम्स एंटायरली चेंज द गेम, सिमिलरली द रूल ऑफ गवर्नर कम्प्लीटली चेंज द वर्किंग ऑफ अ कंट्री। कि जैसे जैसे गेम्स के नियम होते हैं, जैसे गेम्स के रूल्स होते हैं, वो पूरी तरह खेल को बदल देते हैं, पूरी तरह गेम्स को बदल देते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के नियम भी किसी देश के कामयाब को पूरी तरह, कामकाज को पूरी तरह से बदल देते हैं। कि जो वर्किंग ऑफ कंट्री, जैसे जो कंट्री अपना काम कर रही है उसको पूरी तरह बदल देते हैं। आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू फ्रेम इट्स ओन रूल एंड रेगुलेशन दैट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद एक रूल्स फ्रेम किए थे, रूल और रेगुलेशन फ्रेम किए थे, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधान लागू किया था जिसमें रूल और रेगुलेशन तैयार किए गए थे। मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हैव कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में गठन होते हैं।